कल से दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में कुछ जगह पे वायलेंस की इंसिडेंट्स हुए हैं, कॉल्स आई हैं। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें मेन गोकुलपुरी, मौजपुर और भजनपुरा, करावल नगर, इन एरियाज़ में कल कुछ कॉल्स आई थी और कुछ इंसिडेंट्स भी हुए थे, और इस पे हमारी पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी। और जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, उसी हिसाब से हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिप्लॉयमेंट की हुई थी। वहाँ पे कुछ प्रोटेस्टर्स और उनके जो एंटी थे ग्रुप्स, उनमें कई जगह पे क्लैश हुई, और वहाँ हमने फोर्स भेज के सिचुएशन को कंट्रोल किया। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जो एरियाज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ हैं, सिचुएशन पूरी कंट्रोल में है, लेकिन कई जगह पे जो स्ट्रे इंसिडेंट्स हैं वो हो रहे हैं और पुलिस उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। इसी दौरान हमारे 56 पुलिस पर्सनल्स को चोटें आई। अनफॉर्चुनेटली हमने एक साथी अपना, हेड कांस्टेबल रतनलाल, जैसे आप सब जानते हैं, उसको खो दिया। इसके अलावा दो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनको चोट आई। डीसीपी शादरा को भी हेड इंजरी है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, और बाकी 56 पुलिस पर्सनल को चोट है। और इसके साथ साथ 56 इसके अलावा 130 जो पब्लिक पर्सनल हैं उनको चोट है, उनको भी हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया गया। 56 बोल रहे हैं। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में सफिशिएंट फोर्स डिप्लॉय की गई है, और कुछ क्वार्टर्स में ये खबर थी कि जो फोर्स है उसकी कमी है। इसको बिल्कुल हम खंडन करते हैं, डिनाई करते हैं। सफिशिएंट फोर्स डिप्लॉय की गई है। उसके अलावा MHA से जो एडिशनल फोर्स भी हमें मिली है उसको भी डिप्लॉय कर रहे हैं। और जो मेन इसका कारण रहा है, वो काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, मिक्स्ड पॉपुलेशन है, और कुछ जगह पे इंसिडेंट्स हुए हैं। जैसे जब तक पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, उससे पहले कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने कुछ इंसिडेंट्स किए, लेकिन पुलिस उनको रिस्पॉन्ड कर रही है। कल भी रिस्पॉन्ड किया और आज भी उनको हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस है, हमारे पास पैरामिलिट्री में CRPF है, RAF है, SSB है, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस हमें जो मिली है उसको डिप्लॉय किया गया है। दिल्ली पुलिस ने अपने एडिशनल रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया हुआ है। जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं, जैसे क्राइम ब्रांच और बाकी यूनिट्स हैं दिल्ली पुलिस की, वहाँ से भी मैक्सिमम रिसोर्सेज को मोबिलाइजेशन किया हुआ है। सीनियर ऑफिसर, स्पेशल CP रैंक के ऑफिसर्स सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। कंट्रोल रूम में तमाम सीनियर ऑफिसर्स मॉनिटर कर रहे हैं। ग्राउंड पे तमाम सीनियर ऑफिसर्स हैं, पेट्रोलिंग की जा रही है और एरिया को डोमिनेट किया जा रहा है। अभी भी जो हमने कल जैसे इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने 144 सेक्शन इम्पोज किया हुआ है, और तमाम जनता को मैं अपील करना चाहूँगा कि शांति बनाए रखें और सहयोग करें। कुछ र्यूमर्स चल रहे हैं, आप र्यूमर्स पे ना जाएं। 144 के बावजूद भी कुछ जगह पे, कुछ एरियाज पे आज भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसको हमने रिस्पॉन्ड करके उस पर एक्शन लिया है। लेकिन मैं तमाम दिल्ली वासियों से, खासकर नॉर्थ ईस्ट में जो भी हमारे भाई हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि कानून को अपने हाथ में ना लें, और आज भी जैसे इंसिडेंट्स हुए हैं उसको हम टैकल भी कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब मैं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देना चाहूँगा, जितने भी तमाम हमारे मिसक्रिएंट्स हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ साथ अभी तक हमने 11 FIR दर्ज की है, कुछ हमने डिटेन भी किया है, और भी ज़्यादा हम अब डिटेन करेंगे। सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है। जैसे आपको मैंने बताया कि कुछ जो गलियां है वहाँ कोई भी अगर इंसिडेंट होती है तो पुलिस उसी समय रिस्पॉन्ड कर रही है। और इसके अलावा जो हमारे पास ड्रोन्स की भी हम हेल्प कर ले रहे हैं, ड्रोन से भी हम निगरानी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो पत्थरबाजी की है, काफी लोगों ने छतों से पत्थरबाजी की है, अपने घर की छत से की है,
उस पर भी हमने नजर रखी हुई है, सीसीटीवी से हम इनकी रिकॉर्डिंग भी चेक कर रहे हैं, और इसके अलावा ड्रोन की मदद से पूरा जो एरिया है उसको डोमिनेट किया हुआ है। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है और हमारे तमाम सीनियर ऑफिसर्स इसको मॉनिटर कर रहे हैं, सफिशिएंट फोर्स डिप्लॉय की गई है और इसी तरह हम इसको चेक रहे हैं। सर, आपके सवाल वायलेंस की, दो दिन पहले कपिल मिश्रा का जो भाषण दिया गया था उसके बाद से जो स्थिति बदली है, अभी आपने कहा 11 एफआईआर दर्ज, क्या इस मामले का एफआईआर दर्ज पुलिस करेगी? ये तमाम जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जो एफआईआर दर्ज हुई है अभी, जैसे आपको पता है कि हमारी जो टॉप प्रायोरिटी कल से थी वो सिचुएशन को कंट्रोल करने में थी, जो हमने कंट्रोल कर ली है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा आज भी कुछ एक दो इंसिडेंट्स हुए हैं जिसको हमने रिस्पॉन्ड किया है, और इसके बाद हम जितने भी एफआईआर दर्ज की है उनकी तमाम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनका जो मेन अगर कोई भी कॉन्स्पिरेटर वगैरह होगा उस पर हम प्रॉपर एक्शन लेंगे। कितनी गिरफ्तारियां हुई अभी तक इसमें? अनफॉर्चुनेटली जो 9 सिविलियंस हैं उनकी डेथ हुई है, और बाकी जो इंजर्ड है वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, और मैंने जैसे आपको बताया अनफॉर्चुनेटली हमने भी एक अपना साथी खो दिया। सर, जो कल अटैक हुआ था एसीपी गोकुलपुरी पे जिसमें रतनलाल भी घायल हुए, तो क्या उनसे उनका जो वेपन है वो भी छीना गया वहाँ पे? नहीं, वो अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उस पर हमें काफी क्लूज मिले हैं, हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है, उस पे एक्शन ले रहे हैं। जैसे जैसे सर वेपन रिकवर हो गया, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे इन्वेस्टिगेशन, आपसे और शेयर करेंगे।